Hey guys, welcome to our channel In Focus Study. In this video, we will discuss some important question of BCOS 183, that is Computer Application. ठीक है, देखो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, बच्चों ने पता नहीं क्यों इसका महत्व बना रखा है। सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आपके पढ़ने के ऊपर है सब्जेक्ट। जितना आप इसको अच्छे से बुक को रीडिंग करोगे, आप टाइम दे दोगे उसको थोड़ा सा अपना, तो आपका इजिली क्लियर हो जाएगा। मैंने बुक जब स्टडी करी ना इसकी, मैंने देखा क्वेश्चंस बिल्कुल उठा के सामने से दे रखे हैं इसमें। एक तो बिना पढ़े भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। चलो अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, बट हम एक बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम वो कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, कंपेयर कंप्यूटर विद स्मार्टफोन, ब्रीफली डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, पर्पज, साइज, कैपेसिटी और डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से हमारा मिला है? ये फर्स्ट चैप्टर से मिला है, मतलब फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अलावा बाकी और क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसके अलावा और क्वेश्चन जो बचे हैं उसको कर लो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में कुछ है नहीं, यूनिट फर्स्ट सेकेंड में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अभी बताता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये हो गया, ये आप भी लिख सकते थे वैसे, कंपेयर कंप्यूटर विद स्मार्टफोन, स्मार्टफोन और कंप्यूटर आप इजीली कर सकते हो, क्या क्या होता है, किस बेसिस पे कौन ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, हमारी जगह कैरी नहीं कर सकते ना, बट हम स्मार्टफोन को कैरी कर सकते हैं, स्पेस कम लेता है। ठीक है, और कंप्यूटर में क्या होता है, चार्जर हमेशा लगा के रखना होता है, बट इसमें एक बार हम चार्ज कर लेते हैं और फिर उसके बाद यूज़ कर लेते हैं। और क्या पॉइंट हो सकते हैं, लाइक मान लो लाइट चली गई, ठीक है, तो बहुत कंप्यूटर क्या होता है, ऑफ हो जाएगा, और ये फ़ोन क्या रहेगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, वेट लाइट होता है इसका, तो ये बहुत सारे पॉइंट है जो आप लिख सकते हो, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, बिना पढ़े आप लिख सकते हो इसमें। अब नेक्स्ट है सेकेंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब ये भी फर्स्ट ब्लॉक का ही है, ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट ब्लॉक का है। गूगल ड्राइव और गूगल सूट दोनों बहुत इजी से टॉपिक हैं। गूगल ड्राइव किसी पर्टिकुलर पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसके फ़ोन में गूगल ड्राइव नहीं होगा। क्या काम होता है इसका, आपके डॉक्यूमेंट को सेव करके रखता है, डॉक्यूमेंट को क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सेव करता है, आपके कॉन्टैक्ट को सेव करता है, आपकी जो मेन चीज़ें जो सारी चीज़ें होती है ना उसको क्या करता है, सेव करके रखता है। और गूगल सूट क्या होता है, गूगल सूट सिंपली आप ऐसे एक बॉक्स देखते हो, ऐसे गोल सा बना होता है, इस बॉक्स के अंदर 1, 2, 3, 4 पहले से ही ऐप्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, आप जैसे नया फ़ोन लेते हो तो ऐसे बॉक्स बना होता है, उसके अंदर गूगल मैप, यूट्यूब, जीमेल, ठीक है, पहले से ही सारे पैक होते हैं ना, मतलब सूट के अंदर आते हैं, बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, गूगल सूट बोलते हैं। ठीक है, गूगल द्वारा ये यूज़ की वो किया गया था कि हमें सारी जो गूगल की यूज़फुल चीज़ें वो एक जगह मिल जाए, तो ये तो सिंपल था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन बाय वेब ब्राउज़र, ये भी ब्लॉक वन का है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, एनी 5 पॉपुलर वेब ब्राउज़र एंड डिस्कस देयर साइज़ एंड फीचर। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, सिंपली वेब ब्राउज़र होता है जो हमें इंटरनेट सर्फ करने का एक तरह से मीडियम दे देता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्जाम्पल हो जाएगा फायरफॉक्स हो जाएगा, क्रोम हो जाएगा, ठीक है, ओपेरा मिनी हो जाएगा, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन तो आप बिना स्टडी किए दे सकते थे, 60 मार्क्स तो कवर कर सकते हो आप बिना स्टडी की है, बेसिक तो सबको पता होता ही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ फाइल मैनेजमेंट परफॉर्म्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सप्लेन। इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत थी कि माइक्रोसॉफ्ट परफॉर्म कैसे करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इसको रीड करने की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया थ्रू लाइट ऑन द वेरियस एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया एंड इट्स यूजेस। ठीक है, सबसे पहले बोला है डिस्कस मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है, लाइक जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल चीज़ें सफ़र करते हैं, सफ़र मतलब वो सफ़र नहीं, मतलब हम यूज़ करते हैं मल्टीपल चीज़ें। ठीक है, लाइक हम MP3 भी यूज़ कर रहे हैं, MP4 भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लाइक डॉक्यूमेंट्स भी हम उसमें बना सकते हैं, तो ये मल्टीमीडिया होता है। और इसके क्या एडवांटेज होते हैं मल्टीमीडिया के, उसके क्या यूज़ होते हैं, ईजी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट के क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो कमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से ना लॉजिकल बेस्ड हो गए अब, लाइक तो मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी लिख पाओगे आप। जैसे चार्ट्स आर द सेट ऑफ डिस्प्ले टूल यूज टू प्रेजेंट डाटा शीट। ठीक है, डाटा सेट जब हम बनाते हैं तो चार्ट आपको कहाँ से मिलता है, इंसर्ट वाले बॉक्स से मिलता है ना, इंसर्ट वाले बॉक्स से, तो वहाँ पे या तो टूल्स में आपको मिलता है, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। फिर उसके बाद या फंक्शन इन MS Excel कैन बी टर्म
formed as pre-structured or pre-defined formula that can be calculated certain result using selected or specific value. ठीक है, तो ये सब आपको जब पता होगा इसके फीचर के बारे में जब भी लिख पाओगे. चलो इसको तो मान लो अब नहीं आता आपको, तो आप कैंसिल कर दो. आपको करने तो पांच क्वेश्चन है ना, हमने ऊपर तीन क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ईजी था. ठीक है, बाकी इन दोनों में से एक कोई क्वेश्चन कर देंगे मल्टीमीडिया, चार क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट या फिर डिस्टिंग्विश से कर देंगे हम. ठीक है, शॉर्ट नोट से क्या है, लाइव शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, यूपीआई किसको नहीं पता है, यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिटी होता है. ठीक है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म गलत बोल दिया मैंने, ध्यान दे एक बार देख लेना. ठीक है, यूपीआई आप सबको पता है, जाओगे थोड़ा सा रीड करके तो जाओगे ना. और क्यूआर कोड अगर नहीं भी रीड किया तो क्यूआर कोड कर सकते हो, कैप्चा कोड कर सकते हो. किस लिए यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है ताकि इनको पता चल जाए कि कोई रोबोट यूज़ कर रहा है फिर ह्यूमन यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो ये कर सकते हो. बाकी प्लास्टिक मनी और ई वॉलेट में अंतर पूछा है तो ईजी है ये. प्लास्टिक मनी क्या होता है, ई वॉलेट क्या होता है. प्लास्टिक मनी जैसे हम जो नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं, ई वॉलेट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वॉलेट होता है. फिर हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड. ठीक है, तो आप ये ज़्यादा इजी रहेगा आपका करना, क्या बोलते हैं शॉर्ट नोट्स वाले ज़्यादा इजी रहेंगे, डिपेंड करता है आपका. ठीक है, शॉर्ट नोट्स में कितने करने हैं, फोर करने हैं. ठीक है, एक दो तीन चार, तो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा. तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है. ठीक है, तो देख सकते हो आप बिना स्टडी के भी तीन से चार क्वेश्चन कर सकते हो. अगर स्टडी कर लोगे अच्छे से तो अलग ही बात है. तो मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगा, ब्लॉक वन फिनिश कर लो. ब्लॉक वन फिनिश करो. ब्लॉक वन फिनिश कैसे करना है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं. ठीक है, हम ब्लॉक वन पे आ गए, यूनिट वन पे आ गए. ठीक है, अब यूनिट वन से हमें क्या करना है, सिंपल सी दो तीन चीज़ें करनी है. पहला हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है कंप्यूटर का. ठीक है, ये करना है. फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस आ सकता है डिफरेंशिएट करने वाले के लिए, तो ये कर लेना है आपको. और क्या करना है, कॉन्सेप्ट. ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि साइज कैपेसिटी में, ये अब ये तो आ चुका है तो आप क्यों करोगे, कर लेना आप. क्या पता दोबारा आ जाए, तो आपको कुछ इतना वो नहीं है, ज़्यादा एक्टिव है नहीं है, आप इजिली कर सकते हो. तो इससे यूनिट वन से आप ये चीज़ें कर लो. देखो इसके आंसर कितने अच्छे प्यारे दिए हुए इसमें, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा समझने में. ठीक है, मैं समझा देता हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर तो तीन बेसिस पे होता है, या तो साइज पे होता है, या तो उनके डाटा हैंडलिंग पे होता है, या फिर बेसिक पर्पस पे होता है. अगर बात की जाए इसके साइज और कैपेसिटी पे, तो माइक्रो इकोनॉमी होता है, मिनी में होता है, मेन फ्रेम होता है, और सुपर कंप्यूटर होता है. ठीक है, इसके साइज के हिसाब से चार होते हैं. फिर उसके बाद अगर डाटा हैंडलिंग की बात करें तो एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, और हाइब्रिड होता है. ठीक है, ये तीन होते हैं. एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर इस टाइप ऑफ कंप्यूटर विच यूजेस कंटिन्यूअसली चेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फैक्ट सच एज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल. ठीक है, ये होता है. और डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर लाइक मतलब ये क्या करते हैं, सिंपली डाटा इनपुट जो होता है ना, इनपुट डाटा को क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ नंबर्स एंड परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन. अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है सिंपली. ये देखो, ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं क्या करते हैं, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को एक तरह से डन करते हैं. और एनालॉग क्या होता है, ये आपका जो कंटिन्यूस चेंजेबल एस्पेक्ट होते हैं फिजिकल फैक्ट्स के, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक हो गया. ठीक है, इन क्वांटिटीज़ को क्या करता है, सॉल्व करता है. ठीक है, ये हो गया. और हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, एनालॉग भी होता है एक तरह से. ठीक है, दोनों का मिक्सचर होता है ये. तो इसके टाइप्स हो गए सिंपल. अब उसके बाद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक बार डिफरेंस देख लेना, तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते. हार्डवेयर क्या होता है, इसको टच कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो बेसिक वो डिफरेंस हो गया, बाकी आप डिफरेंस देख लेना. फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन होता है. मैंने बताया कि जैसे टाइप्स वाला आ गया था इस बार, तो क्या पता इस बार एप्लीकेशन आ जाए. ठीक है, कि एप्लीकेशन आ जाए कंप्यूटर्स की क्या होते हैं. तो पहला बिजनेस में यूज़ होता है. ठीक है, बिजनेस हैज अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, फिर एजुकेशन में यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में, हेल्थ सेक्टर में. ठीक है, पर्सनल यूज़ में होता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ. तो पर्सनल यूज़ में मिलिट्री वाले भी करते हैं ना कंप्यूटर, इन सब का बोलते हैं ना, उनका डाटा हैक हो गया, तो कैसे होता है, कंप्यूटर से ही होता है. इंश्योरेंस कंपनी करती है. ठीक है, तो ये सारे इसके वो हो गए. फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं कंप्यूटर के, क्या क्या होते हैं. तो देखो, एडवांटेज क्या होता है, मल्टीटास्किंग में हेल्प करता है. आप गाना भी सुन सकते हो, फाइल भी बना सकते हो. ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो. फिर स्पीड बहुत, लाइक मैं मान लो हाथ से, जैसे मैं पीडीएफ बनाता हूँ. ठीक है, तो मैं कंप्यूटर से क्यों बनाता हूँ, क्योंकि हाथ से लिखना उतना बेटर नहीं होता जितना हम फाइल बना सकते हैं. ठीक है, तो मैं कंप्यूटर पर इसीलिए प्रीफर करता हूँ, ताकि टाइम बचे मेरा. ठीक है, स्पीड हो और उस पर नीट एंड क्लीन भी होता है. ठीक है,
तो वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। फिर स्टोरेज होता है, स्टोरेज हम इसमें को अब तुम कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, कॉपी पे लिखे जा रहे हैं तो कॉपी भरेगी, बट इसमें क्या होता है स्टोरेज बहुत होता है तो हम इस पर ईजिली कोई चीज़ वो कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी इसमें अच्छी होती है ना। मान लो मैं लिख रहा हूँ, इसमें ऑटो करेक्ट हो जाएगा, कॉपी पर ऑटो करेक्ट नहीं होगा तो अलग, ठीक है। फिर डाटा की हमारी क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। हम अगर फाइल पे पासवर्ड लगा के रख दे तो कोई यूज़ नहीं कर सकता, कॉपी आप कॉपी पे कुछ रख रहे हो या कहीं लिख रहे हो तो कोई भी गायब कर लेगा। फिर डिसएडवांटेज क्या होता है, रिडक्शन मतलब ये सिंपल है, एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। ये इसका डार्क रियलिटी है कि धीरे धीरे कंप्यूटर्स की वजह से इन फ्यूचर जॉब्स चली जाएंगी, ठीक है। ये तो अभी भी आपको पता चल ही रहा होगा कि कितने सारे जॉब्स कंप्यूटर की वजह से, लाइक मैं ट्रेडिंग की जॉब करता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेडिंग करता था तो हमारे ऑफिस में क्या हुआ कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की मशीनें धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो रही है, तो उसमें बताया जा रहा है कि जैसे ही लग जाएंगी मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। फिर पोटेंशियल ऑफ लॉस ऑफ प्राइवेसी, अब क्या होता है इसमें हैक भी हो जाते हैं तो हैक की वजह से प्राइवेसी खतरे में रहती है, वायरस हो जाता है, हैकिंग अटैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वायरस की वजह से पूरा सिस्टम आपका, मान लो जो बनी बनाई फाइल्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों को थ्रेटन किया जा रहा है इसकी वजह से, तो लोग ज़्यादा इसको यूज़ करना से डरते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यूनिट वन क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब यूनिट टू पे आते हैं, ठीक है। यूनिट वन से आपको जो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया ऐसे आपको रीड करना है, ठीक है। मैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं समझा रहा था आपको, आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, तो देखो सिंपली कंप्यूटर नेटवर्क वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा इसमें ना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क टाइप ऑफ, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तो इस बार तो नहीं आएगा, चांस कम है, बट कर सकते हो आप, ठीक है। मैं आंसर इसका दिखाता हूँ आपको क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, कंप्यूटर ठीक है, आते हैं आंसर पे। इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क आर ऑल्सो नॉन एज द डाटा नेटवर्क और नेटवर्क्स आर चेन ऑफ नोड्स लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन चैनल, दीज नोड्स कैन रिसीव ट्रांसमिट और एक्सचेंज डाटा बिटवीन एंड पॉइंट्स, ठीक है। सिंपल होता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जैसे नोड्स की तरह वर्क करते हैं, क्या करते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो डाटा ट्रांसमिटेड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, वॉइस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल द यूजर टू इन एक्सेसिंग रिमोट प्रोग्राम एंड रिमोट डाटा बेस आइदर ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम डिफरेंट इंटरप्राइज और पब्लिक सोर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या होता है, अब इसके क्या क्या वो होते हैं टाइप्स, इंपॉर्टेंट है इसके थोड़ा, ठीक है। टाइप्स आप एक बार देख लेना और इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, लाइक पैन और लैन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, फिर मैन और लैन में क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो ये एक बार करके चले जाना, शॉर्ट नोट्स में भी आने के चांसेस होते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे इसके टाइप्स में सबसे पहला होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी डिवाइस डेट सर्व अ सिंगल इंडिविजुअल विद इन वन फैसिलिटी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है ये, ठीक है। इसका रेडियस कितना होता है, 10 मीटर होता है, ठीक है। जो नेटवर्क होता है कितना होता है इसका, 10 मीटर होता है। दूसरा आता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लाइन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क आर लिमिटेड टू अ सिंगल बिल्डिंग लाइक अ ऑफिशियल, मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें लाइन आप लगवा रहे हो, ठीक है, तो लाइन उसके लिए यूज़ होता है। ये एक तरह से वाईफाई आप देखते हो ना, उसमें होता है लाइन होता है, मैन होता है, ठीक है, ये वाला होता है, ठीक है, पैन होता है। तो पैन क्या होता है, 10 मीटर की रेंज के लिए होता है, किसी सिंगुलर पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है। और ये क्या होता है, लैन क्या होता है, मान लो कि आप ऑफिशियल हो जाएगा किसी एक बिल्डिंग के लिए होता है कि हाँ इसी बिल्डिंग तो नेटवर्क आए तो उसके लिए ठीक होता है। फिर ये क्या होता है, मैन क्या होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स सच लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू लैन, ठीक है, लैन से ज़्यादा होता है, ठीक है। मैन इंक्लूड क्या है, कन्फिगर्ड कंप्यूटर्स कवरिंग अ टाउन सिटी और कैंपस। एक तरह से मान लो कैंपस में लगाना है नेटवर्क, ठीक है, तो कैंपस के लिए हो सकता है, सिटी के लिए हो सकता है, तो ये हो जाता है। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क कवर लार्जेस्ट जियोग्राफी एरिया एज कम्पेयर टू, अब सिंपल है, एक एक करके ज़्यादा होता जाएगा, मैन से थोड़ा ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर इंटरलिंक्ड थ्रू वेरियस केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट्स, द यूजर कैन एक्सेस द नेटवर्क थ्रू मॉडम्स, ठीक है,
वैन बेसिकली क्या है, कंप्राइज सर्वर क्या है, स्मॉलर नेटवर्क ऑफ लैन एंड मैन, ठीक है, एक तरह से ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, लैन एंड मैन का, ठीक है, तो ये होता है। फिर उसके बाद हैन क्या होता है, होम एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड टू अ डिफाइंड बाउंड्री लाइक अ हाउस और अ होम ऑफिस, ठीक है, इट इज़ द टाइप ऑफ IP बेस्ड लैन विच कैन आइदर बी वायरलेस और वायर्ड, ठीक है, हो गया ये, वायरलेस होता है, वायर होता है, एक तरह से किसका टाइप होता है, लैन का ही टाइप होता है। इससे लैन क्या होता है, एक बिल्डिंग के लिए होता है ना, छोटी सी बिल्डिंग या 10 meters के लिए होता है, तो ऐसे ही होता है, हो गया। फिर एडवांटेज क्या होते हैं, देखो इस बार टाइप्स पूछा था तो इस बार एडवांटेज पूछ सकते हैं, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एडवांटेज क्या होगा, ओवरकमिंग जियोग्राफिकल डिस्टेंस, हम अपनी मर्जी से जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस है वो लगवा सकते हैं। अलाउिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अलाउ होता है इसके अंदर, सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प टू सपोर्ट प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी डिफरेंट लोकेशन, ठीक है, सही बात है, ये होता है। उसके बाद देखते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ से क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब डाटा बेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, DMIS, ठीक है, DMIS वाला ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा आंसर इसका, अभी क्वेश्चन आप इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, हमने ये डिस्कस कर लिया वैसे ही पहले, उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ये भी क्लासिफिकेशन वाला भी क्वेश्चन हो गया, वेरियस क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से क्या होता है, माइक्रो होता है, माइक्रो मैक्रो, ठीक है, माइक्रो मैक्रो होता है ये, और एक और होता है। फिर डाटा हैंडलिंग के हिसाब से कौन सा होता है, सुपर होता है, एनालॉग होता है, ठीक है, ये हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये कर भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। व्हाट आर द रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट सेक्टर, अब कंप्यूटर के जो रोल होते हैं वो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये आने के चांस हैं इस बार कि जो कंप्यूटर का रोल है वो डिफरेंट सेक्टर में क्या क्या है, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है, फिर ट्रेड और कॉमर्स में क्या करता है, बैंकिंग में क्या करता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेब ब्राउज़र, टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं आंसर इसका क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र के कितने टाइप हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र हमारा क्या होता है, एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, डिज़ाइन होता है किसके लिए, ये इनेबल करता है यूज़र्स को जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको रीड करने के लिए। द यूज़र कैन ऑल्सो नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर वेब पेज, ठीक है, विथ मिनिमम एफर्ट, ठीक है, ये क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने में क्या करता है, बहुत कम टाइम लेता है। जैसे आप सफर इंटरनेट सफ़र कर रहे हो, ठीक है, सर्फ कर रहे हो, ठीक है, तो आप जैसे टेलीग्राम वेब से चले गए टेलीग्राम पे, या फिर आप चले गए जैसे, मतलब आपने बहुत सारे पेजेस खोल रखे हैं, आप एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली जा सकते हो, तो ये वेब ब्राउज़र वही आपको इनेबल करता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्या करो, पेजेस को वो कर सको, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट जो होता है उसको रीड करने में मदद करता है। अभी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, दूसरा नॉन ग्राफिकल। ग्राफिकल में क्या होता है, अलाउ करता है, ठीक है, क्या अलाउ करता है, यूजिंग पॉइंट एंड क्लिक मेथड टू व्यू रीड एंड जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय गूगल, इट वाज फर्स्ट लॉन्च इन 2008 फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड वाज लेटर पोर्टेड टू लिनक्स, फिर मैकओएस हो गया, iOS हो गया, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। फिर नॉन ग्राफिकल में क्या होता है, इसमें होता है द इन कैरेक्टर बेस्ड मेथड, इट डज नॉट अलाउ द सेम मेथड एज अलाउड बाय ग्राफिकल वेब ब्राउजर, जो ऊपर वाले में होता है इसमें नहीं, इसके जैसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, फॉर व्यू रीड एंड नेविगेशन, ठीक है, इसमें हम ग्राफिकल में क्या करते थे, रीड व्यू और नेविगेशन के लिए जंप कर लेते थे, ठीक है, एक पेज से अनदर पेज, ठीक है, तो ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है, इसके लिए क्या हुई है, इसके लिए कीबोर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ माउस, इसके लिए कीबोर्ड की जरूरत होगी, और इसमें ग्राफिकल में क्या यूज़ करते थे, माउस यूज़ करते, तो ये अच्छा एक डिफरेंस है कि इसमें माउस यूज़ करते हैं, इसमें कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कौन सी की का यूज़ करते हैं, अप की, डाउन की, ठीक है, प्रेस की, इनका। गूगल ड्राइव तो आपको बताया था मैंने, देखो गूगल ड्राइव भी यहीं पे है। गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल ड्राइव इज अ फाइल स्टोरेज एंड साइनक्रोनाइजेशन सर्विस डेवलप बाई गूगल, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, 2012 में हुआ था। ये क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है टू स्टोर देयर फाइल ऑन सर्वर, ठीक है, तो ये गूगल ड्राइव हो गया। गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये सब देख लेना आप, बाकी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ अगला। राइट, शॉर्ट नोट है, गूगल, देखो ड्राइव, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल साइट्स, गूगल शूट, गूगल फॉर्म, हाउ गूगल फॉर्म बनता कैसे, फिर गूगल शीट, ये आपको करके जाना है, ठीक है, इनके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में दिखाता हूँ इनके आंसर कहाँ से आपको मिल जाएंगे।
हाँ पेज नंबर आपको 46 पे मिल जाएंगे। कीवर्ड्स जो होते हैं ना उसमें, गूगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, गूगल डॉक्यूमेंट इज़ अ फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन इन विच डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट कैन बी क्रिएटेड एडिटेड और स्टोर्ड। ठीक है, ऑनलाइन इसको स्टोर कर सकते हैं। फाइल्स कैन बी एक्सेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क या नेटवर्क से कर सकते हैं, इंटरनेट जो बोलते हैं हम। ठीक है, गूगल साइट क्या होता है, दिस इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है जस्ट लाइक पावर पॉइंट की तरह होता है, विच हेल्प यू मेकिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन मेक करने में हेल्प करता है। गूगल ऑफिस सूट क्या होता है, जो हमने पेपर में देखा आया हुआ क्वेश्चन है, गूगल ऑफिस सूट इज सेकंड चॉइस ऑफ फॉर बिजनेस टू मैनेज देयर टास्क ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन। द मोस्ट वाइडली यूज फीचर ऑफ गूगल ऑफिस सूट इज जीमेल। आप देखते हो ना जो गूगल सूट बना होता है उसमें जीमेल, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे ये देखोगे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है ना, तो ये बॉक्स किसके लिए है, ये बॉक्स हमारा गूगल सूट एक तरह से कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें सारी चीज़ें पहले से ही मिल रही हैं। ठीक है, तो ये गूगल सूट का एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, तो गूगल सूट हो गया यहाँ से आपका, तो ये सारे आपको कर लेने, इसका मैंने बताया था आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, गूगल सूट हो गया। अब गूगल शीट क्या होता है, दिस एप्लीकेशन वॉज एडिड बाई गूगल, दिस एप्लीकेशन वॉज एडिड बाई गूगल कब 2006 में हुआ था। ये क्या होता है, सिंपली इसमें क्या होता है, शीट्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है, डाटा शीट जो होती हैं बिजनेस के लिए, जो डाटा शीट्स होते हैं उनके कंपेरिजन करने के लिए वो एक तरह से प्रोवाइड करता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वो तो बताया था मैंने कि ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं उनको रीड करने के लिए होता है, और एक पेज से अनदर पेज पे जंप करने के लिए होता है। इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, ग्राफिकल में क्या होता है, जिसमें हम बिना माउस के जाते हैं। ठीक है, बिना माउस के वो जंप कर सकते हैं, मतलब हाँ माउस के साथ जंप कर सकते हैं। और नॉन ग्राफिकल में क्या होता है, इसमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ से कवर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड इस टाइप। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिंपली ये एक तरह से इंटेंजिबल बोल सकते हो, जिसको हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, बस इसको एक तरह से हम वो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, और इसके दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप देख लेना, फिर डिफरेंस वाले कुछ बता देता हूँ जो ब्लॉक वन से थोड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है पब्लिक की और प्राइवेट की, NEFT और RTGS, ई पेमेंट और ट्रेडिशनल पेमेंट। ठीक है, कंप्यूटर एंड फोन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे ब्लॉक वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अभी मैं ये पहली वीडियो है, ठीक है, दोपहर में मैं एक और दो तीन और वीडियो लेके सारा सिलेबस इसका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, सो जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे आप रीड कर सकते हो, नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।